थैंक यू सो मच। दिवाली का त्योहार पे पूरा देश सफाई और सजावट में लगा है क्योंकि वनवास से लौट के राम वापस घर आएंगे, पर दिक्कत यह है कि एक ही तो राम है, किस किस के घर जाएंगे। किसी व्यक्ति या समाज का निरादर करके जय श्री राम कह देने से राम घर नहीं आएंगे। तो ध्यान से सुनिए, जो बाप की एक आवाज पे 14 साल वन में काटने को तैयार हो, राम उसके घर आएंगे। जो भाई के लिए सारी संपत्ति त्यागने को तैयार हो, राम उसके घर आएंगे। और जो पत्नी सम्मान के लिए पूरी हुकूमत से लड़ने को तैयार हो, राम उसके घर आएंगे। और आप जिस दिन ये त्याग करने को तैयार हो, घर पे आईना देख लेना, आपको साक्षात श्री राम दिख जाएंगे। तो ये राम कोई इंसान या भगवान नहीं, वो एक त्याग भावना है जिसे ना करना चाहो तो बहुत मुश्किल और करना चाहो तो बहुत ही आसान साधना है। तो इस मौके पर मैं इंडिया के जितने भी सच्चे साधु संत मौलवी पादरी या सोशल वर्कर्स हैं जो त्याग भावना से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको नमन करता हूं। और पूरे हिंदुस्तान को दीपावली की मुबारकबाद देते हुए एक पोल्यूशन फ्री इंडिया के लिए पटाखे त्यागने का एक गुजारिश करता हूं। जय हिंद। मैं पोएटिक पायलट आपका कप्तान।